हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हमारे साथ रैना जैन है, जिनका AIR 160 है गेट इलेक्ट्रिकल 2018 में। ठीक है, तो इनसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो रैना, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सबसे पहले। तो ठीक है, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आप सबसे पहले मतलब जब आप NIT रायपुर से, आप तो अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की, तो आप कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट की और लगभग उस समय आपका कौन सा सेमेस्टर था? मैंने 6th सेम में चालू की अपनी प्रिपरेशन, और उस समय जब मैं गेट एकेडमी ज्वाइन की तब सिग्नल्स स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सुजय सर का सिग्नल चल रहा था। सुजय सर का, और नेटवर्क भी पैरेलली चल, अच्छा, रहा था। अच्छा, नेटवर्क भी चल रहा था। हाँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि सीखने मिलेगा। मतलब बहुत, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो बेसिक से बहुत पढ़ाते थे सही से, तो मुझे लगा कि अच्छा उस समय से आपको लगा। तो आपको ये कब फील हुआ कि मैं टेक्निकली बहुत अच्छा कर सकती हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऐसा आप जानती हो कि NIT रायपुर से तो मैक्सिमम लोग पूरे के पूरे क्लास की क्लास आते, लेकिन सब लोग तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा कब फील हुआ कि मैं टेक्निकली बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हूँ या मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ? सर क्या बोलते, पहले एक्चुअली IIT वगैरह दिया था। अच्छा, 12th के बाद आप IIT का एग्जाम दी थी? ओके, IIT दिया था, तो फिर तब समझ आ गया था कि मतलब कितना लेवल है हमारा। फिर कॉलेज में भी आए तो, बट उस समय मेरा था कि मतलब उस समय उतना मैंने सोचा नहीं था कुछ। सेकेंड ईयर तक मैंने कुछ नहीं सोचा। कॉलेज में जब थी तो आप स्टार्टिंग के 2 ईयर्स इतना फोकस था कि नहीं? उतना फोकस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, लगता है कि आए हैं तो फिर अब थोड़ा चिल कर लो, थोड़ा सा लाइफ जी लो। ठीक है, ओके। तो फिर मैंने बाद में सेकेंड ईयर हो गया, फिर थर्ड ईयर में तो मुझे लगा कि अभी तक मैंने 2 साल कर लिए, बट मैंने अपना टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं इम्प्रूव किया था, क्योंकि 2 साल मैंने बुक्स ऐसे नहीं पढ़ा था, बस एग्जाम के टाइम थोड़ा पढ़ लिया। जैसे बीई वाले लोग करते हैं एक्चुअली। हाँ, ऐसा किया, तो मुझे लगा कि अब इंजीनियर बन के निकलना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मतलब नॉलेज तो होना चाहिए लेवल नॉलेज का। तो फिर इसलिए मैंने क्या बोलते हैं गेट एकेडमी ज्वाइन की, मैंने डिसीजन लिया कि, क्योंकि मेरे को याद है कि आप ना, आपके साथ वाले लोग पहले ज्वाइन कर लिए थे। हाँ। क्योंकि जब आप क्लास में जब आई थी तो मेरे को याद है कि आपके सब्जेक्ट बाकी लोगों से थोड़े से पीछे थे, क्योंकि आप मेरे अंदाज से 6th में ज्वाइन की, आपके बहुत सारे फ्रेंड लोग 4th और 5th सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिए थे ना। हाँ, तो इसलिए मेरे को याद है कि थोड़ा सा वरी करती थी कि मेरे पास 1 ईयर का टाइम है करके। ठीक है, तो आप जैसे अपना पूरा प्रिपरेशन जो रखी हो आपके पास, तो आपको लगता है कि 160 जो रैंक आया, तो आप इतना एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा थी कि और ज़्यादा आना चाहिए? एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा ही थी मतलब, बट वही मैंने फिर बाद में देखा तो सिली मिस्टेक्स ही ज़्यादा हुई हैं पेपर में। वो उस टाइम मतलब थोड़ा प्रेशर में थी मैं, एकदम पेपर देते टाइम थोड़ा मेरे को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही थी पेपर। अच्छा, ऐसा हुआ? बहुत ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो फिर इसलिए मेरे को लगता है मेरा स्कोर ड्रॉप हुआ। और एक तो मैंने वापस रीचेक नहीं किया मतलब सारे क्वेश्चंस। अच्छा, रीचेक नहीं किया मैंने, जो टाइम मेरे पास बचा था वो मैंने जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उसमें लगा दिया। अच्छा, ओके, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा था। हाँ। कि और अच्छा आएगा। तो आपके कितने लगभग कितने क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक के कारण आपको मतलब हो गया एग्जाम में गलत? 6 to 7 क्वेश्चन ना, मतलब वो 6 to 7 क्वेश्चन अगर सही होते तो हम लोग अंडर 50 के आसपास भी आ सकता था ना, बहुत मतलब लगा होगा। पहला क्वेश्चन ही गलत कर दिया पेपर का। अच्छा, एप्टी का था क्या? हाँ, एप्टी का था। अच्छा, एप्टी का पहला क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था, मतलब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, एफ ऑफ ए बी ऐसे टाइप। अच्छा, ओके, हाँ, वैल्यूज पुट करनी थी, तो मतलब प्रेशर में ही थी मैं एकदम, तभी मैंने पहला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को आईडिया है कि आपको थोड़ा सा प्रेशर तो होता है। ठीक है, तो अभी आप जैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट, जैसे आप बोली कि 2 ईयर्स आप नॉर्मली कॉलेज लाइफ चलती रही, उसके बाद फिर आप 3rd ईयर से स्टार्ट भी की, और भी मैं बताना चाहूँगा कि इनका प्री में भी हो चुका है, तो अभी मेंस की प्रिपरेशन चल रही है। तो अभी आप अगर आप टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें कि अपने प्रिपरेशन मोड में टेस्ट सीरीज को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, किसी गेट एस्पिरेंट की हम बात करें कि आप अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहती हो तो किसी को अपनी प्रिपरेशन में जब वो टेस्ट सीरीज को उसको हैंडल करना चाहिए, टेस्ट सीरीज उसको देना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज उसको कब से देना चाहिए और टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है एक प्रिपरेशन में? टेस्ट सीरीज तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है प्रिपरेशन में, मतलब बेसिक्स तो है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, मतलब पहले बेसिक्स क्लियर कर लो। okay. और फिर क्वेश्चंस जो भी है सॉल्व करो, बट आखिरी में जो टेस्ट सीरीज नहीं देता है उसका फिर रैंक में दिख जाता है वो। कि टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ही हमारी मिस्टेक्स पता चलती है अपने को, तो मिस्टेक्स जब पता चलेगी तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे ना उस पे। ओके, तो टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं तो साल से देखता हूँ कि जैसे कि मैं 2-3 स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो सेम टाइप के स्टूडेंट है, लेकिन एक स्टूडेंट उसमें से टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से इंगेज किए और 2 लोग नहीं किए, तो रैंक का डिफरेंस दिख जाता है लास्ट में आते तक। इसका मतलब है कि टेस्ट सीरीज को अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर करोगे तो हो सकता है स्कोर में भी फर्क पड़े। आसपास जैसे टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करते हैं उसी रेंज में हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, ऐसा मतलब अगर प्रेशर उतना ना रहा। अच्छा, उतना प्रेशर ना रहा, अगर एकदम
मतलब वही है, ज्यादा सोचना नहीं एग्जाम के बारे में, लाइटली दो तो फिर निकल जाएगा, नहीं तो फिर प्रेशर होगा। तो जैसे आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते थे तो आपका स्कोर पूरे टेस्ट सीरीज में पूरा पूरा जितना आपका प्रिपरेशन चला उसमें टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर हमेशा अच्छा आता था कि स्कोर कभी कभी कम भी आता था? कम भी आता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कभी कभार मैं ऐसा है ना, मतलब सब्जेक्ट पढ़े बहुत दिन हो गए हैं और अचानक से मैंने फिर मैं सोचा कि मतलब मैं भूल रही हूँ टाइप से, रिवीजन के मोड में चलो टेस्ट दे देते हैं, तो मैं पहले टेस्ट ही देती थी, फिर उससे देखती थी मेरे को क्या क्या नहीं बना, क्या क्या याद नहीं आ रहा है, फिर वो चीज़ पढ़ती थी वापस से सारा, ऐसे पूरा देखने से वो भी होता है ना कि अपना बहुत कुछ अच्छा है तो हाँ। वो भी वापस देख लेते हैं। कई बार हम लोगों को वो भी देखता है कि हमको अपने को ये भी तो पता करना है कि हमारा खुद का जो सब्जेक्ट है वो अगर हम 2 मंथ से नहीं पढ़े तो सही में हमसे बनता है कि नहीं बनता है, तो वो एक अच्छा चीज होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा ओके, तो अभी आप जैसे अपना पूरा प्रिपरेशन की इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि आपके क्या क्या फेवरेट सब्जेक्ट है आज की डेट में? मेरा एक तो नेटवर्क तो है ही और कंट्रोल है मशीन्स है। अच्छा, नेटवर्क कंट्रोल और मशीन, ये सब आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है ओके। अब अगर आप अभी जैसे कि अब आपका 160 रैंक है तो मेरे को लगता है कि आपको पीएससी भी मिल जाएगा, आईआईटीज भी मिल जाएगा और आपकी आईएएस का भी मेंस का प्रिपरेशन भी चल रहा है, तो आई होप कि वो भी आप क्लियर कर लो। तो अभी आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है कि आप क्या चाहती हो आगे अपनी लाइफ में करना, कि आप तो जैसे आपको पीएससी भी मिल गया और आईआईटीज भी मिल गया तो आप पीएससी लेना चाहोगे कि आप आईआईटीज वगैरह देखोगे? पीएससी में ही जाना चाहती हूं, इसलिए फिर पीएससी के लिए ही मैं शुरू से तैयारी कर रही हूं। अच्छा, माइंडसेट अब तक पीएससी का ही है। अच्छा, मोटिवेशन वही था कि एक पीएससी हमको मिलना ही चाहिए। अब कभी ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रिपरेशन मोड में थोड़ा सा डीमोटिवेशन आया, ऐसा कभी हुआ आपके पास कि 5 to 6 मंथ में कभी ऐसा मन नहीं कर रहा है या थोड़ा सा डीमोटिवेशन आया, तो फिर अपने आप को आप फिर सेल्फ मोटिवेशन कैसे कैसे आप करती थी इसके लिए? मैं ये समझती हूँ कि मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा आपको करनी है वो चीज़, मतलब अगर आपको एकदम फाइनल है कि हाँ मेरे को ये करना ही है तो फिर मोटिवेशन खुद से आता है अंदर से। कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि पढ़ने का कम मन करता है तो उस दिन थोड़े देर मतलब रिलैक्स कर लो और फिर वापस फिर थोड़ी देर बाद करता है मन कि अरे नहीं पढ़े तो फिर पढ़ना है करके, ठीक है, जिसका मतलब है कि आपको जैसे मोटिवेशन के लिए बहुत लोगों की नीड नहीं होती ना, आप अपने से मोटिवेट हो जाती हो ना, इज अ गुड थिंग, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज वगैरह में क्या क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी इस बार? इस बार मैंने गेट अकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मेडीजी की ज्वाइन की थी। मेडीजी की, अच्छा, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जैसे आप अपना इंगेज करती थी, टेस्ट सीरीज आप जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद उस टेस्ट सीरीज को आप एनालिसिस भी करती होगी, उससे कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी कि सिर्फ टेस्ट सीरीज हम दे देते थे बस? नहीं, टेस्ट सीरीज से मैं अपने मिस्टेक्स देखती थी कि क्या मैंने की है, जैसे कंट्रोल में मैं हर बार जैसे सेंट्रॉइड निकालते हैं नीचे P-Z होता है तो फिर वो भूल जाती थी हर बार, अच्छा करना, तो मेरा आंसर गलत आ जाता था, वो बहुत बार हुआ। तो टेस्ट सीरीज से आपको जो बेसिक मिस्टेक्स थी वो इम्प्रूव करने में हेल्प मिली ना? बेसिक मिस्टेक्स इम्प्रूव करने में हेल्प मिली और मतलब जो भी क्वेश्चंस नए लगते थे, अच्छे लगते थे, उनको बुक मार्क कर देती थी तो फिर रिव्यू करने में आसानी होती थी, ठीक है, जो भी हमको अच्छे क्वेश्चन लगते थे, ठीक है। आप बताइए कि एक स्टूडेंट अगर अपना प्रिपरेशन अगर कर रहा है तो उसको अपने आप को इतने ड्यूरेशन तक अपने आप को मोटिवेट तो करके रखना ही है, तो उसको अपनी प्रिपरेशन मोड में और क्या क्या चीज़ों का केयर करना चाहिए? जैसे कि अगर वो कोई 8 मंथ का अगर अपना प्रिपरेशन अगर अपना स्टार्ट करना चालू किया, अभी लगभग 8 मंथ है हमारे पास गेट के लिए, तो कुछ मैसेज आप कुछ देना चाहोगी कि किसी को इतने 8 मंथ के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? मैं मतलब एक प्लान पहले से बना के रखना चाहिए मेरे को लगता है कि मतलब कि ताकि आखिरी समय में अपने को एकदम वो ना हो हड़बड़ी। हाँ, तो क्योंकि मेरे जैसे मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे लोग पेपर देख के एकदम से परेशान हो जाते हैं। हाँ, जैसे आप बोले कि मैं थोड़ा सा हड़बड़ाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि 90% से ज्यादा लोग पेपर देख के मतलब इतने कूल नहीं रह पाते। हाँ, ऐसे सब लोग हैं, पेपर आसान होने के बाद भी फिर लगता है कि नहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ऐसा लगता रहता है मतलब कि इतने जल्दी आंसर कैसे आ गया मेरे, मतलब ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन से बस देख के आंसर आ जा रहा था, कुछ कुछ आसान थे इस बार, था कि देख के एकदम आंसर कैसे आ जा रहा है इतने जल्दी से, फिर मैं वापस रीचेक कर रही थी मैं सही किया है कि नहीं, अच्छा ओके, ऐसा हो रहा था कुछ क्वेश्चन में। तो फिर मैं यही बोलती हूँ कि मतलब प्लान बहुत सही से करना चाहिए स्टार्टिंग से, कि और पहले बेसिक सब्जेक्ट से मतलब जैसे नेटवर्क वगैरह जो सब सब्जेक्ट में काम आते हैं तो वो सब पहले करना चाहिए, और फिर और जैसे जो हमारे थोड़े ज्यादा वेटेज रखते वेटेज हैं जैसे मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये तीन पहले खत्म कर देना चाहिए पढ़ के, क्योंकि इनमें ज्यादा भी टाइम लगता है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है एक्चुअली, और फिर मतलब तुमको मतलब प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए इन सब्जेक्ट्स की, मतलब क्योंकि टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स है ना। हाँ,
ठीक है, तो मतलब आप किसी को ये बोलना चाह रही हो कि आप अपना एक अच्छा प्लानिंग रखो, क्योंकि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर अगर हम अच्छी प्लानिंग के साथ अगर प्रिपेयर करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़ है कि आप अपना टेस्ट सीरीज वाला पार्ट कब से स्टार्ट की थी, जो इस साल आप जो टेस्ट सीरीज देना चालू करी लगभग? टेस्ट सीरीज मतलब सब्जेक्ट टेस्ट तो मैं जैसे अगस्त सेप्टेम्बर से चालू कर दी थी। सब्जेक्ट टेस्ट तो ऐसी जो भी सब्जेक्ट होता है, अगर चेक करना है कि हम लोग कितना अपने टॉपिक को कितना पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं और कुछ और एक्स्ट्रा रहे तो नहीं गया पढ़ने के लिए, तो तब देना स्टार्ट कर दी थी सब्जेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट के साथ। और फिर बाकी फुल लेंथ टेस्ट तो जनवरी से ही। अच्छा, इसका मतलब है कि आप फुल लेंथ टेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि अक्टूबर नवंबर में दियो ना, आप फुल लेंथ टेस्ट सीधे जनवरी में दियो। तो आपको लगता है कि कोई अगर अपने दिसंबर तक अपना अगर अपने सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर ले और टॉपिक वाइज टेस्ट दे दे, उसके बाद अगर पूरा वन मंथ अगर अपने फुल लेंथ टेस्ट के लिए निकाले तो भी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट लोग के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रहता है कि हम लोग को अपना फुल लेंथ टेस्ट कब से चालू करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि उनको अपना टॉपिक रेडी करने के बाद फिर अपना अच्छा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जैसे अगर हम बात करें कि आप अपने अपने जो प्रिपरेशन आपका जो मोड रहा है, जैसे आप अपने आप को इतने अच्छे से हैंडल किए हो, तो ऐसे गर्ल्स वाइज अगर आप गर्ल्स लोग को कुछ मैसेज देना चाहती हो कि उनको अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स लोग कई बार ऐसा मतलब जैसे मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहता है कि गर्ल्स लोग थोड़े से जल्दी परेशान हो जाती है कई बार, तो गर्ल्स लोग के लिए कुछ मोटिवेशन के लिए? ऐसे मैं कभी डिफरेंशिएट नहीं करती गर्ल्स और बॉयज के बीच में, तो उतना मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा, कि गर्ल है या बॉय है। हाँ, और मेरे फैमिली के साथ फैमिली का हर समय सपोर्ट रहता है। अच्छा, फैमिली का पूरा सपोर्ट हमेशा रहा है ना, रहता है कि मैं जो भी करूँ वो मेरा मतलब साथ देते हैं हर चीज में। ठीक है, तो आप अभी अपनी इस प्रिपरेशन मोड में, जैसे आपका आपका प्रिपरेशन चलता था, तो आप यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देखते रहते थे कि मतलब? हाँ, मैं मतलब जो मुझे लास्ट में लगा मेरा टॉपिक वीक है, मेरे को नहीं आ रहा याद, मतलब कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं देखती थी गेट अकेडमी के वीडियोस वगैरह, और फिर कुछ कुछ जैसे मैट्रिसेस में डायग्नलाइजेशन वगैरह थोड़ा था जो गुरपाल सर बताए थे, हाँ वो देखा था मैंने, और एनालॉग में फिर देखा था आपके वीडियोस। अच्छा, एनालॉग वाले में के जो क्वेश्चन से बहुत अच्छा, ऑपरेशन एम्पलीफायर वाले ना। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम लोग की बात अभी तक रेनाजेंस से चल रही थी। ठीक है, तो अब इनको ESE मेंस का एग्जाम भी देना है, PSU इनका इंटरेस्ट है कि इनको PSU में अगर इनको मिलता है तो PSU लेंगे। ठीक है, तो आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से कैरी कीजिए। ओके, थैंक यू।